अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साजिद है और आप देख रहे हैं टेक्निकल रहमानी। तो दोस्तों, हाजिर हूँ एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। और आज किस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओप्पो की अपकमिंग सीरीज़ यानी कि रेनो 4 और रेनो 4 की स्पेक्स के बारे में, जिसको बहुत जल्द पाकिस्तान और इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जा रहा है। चाइना में तो इसे बहुत पहले लॉन्च कर दिया गया है, इसलिए दोस्तों इस मोबाइल फ़ोन की जो स्पेसिफिकेशंस है वो कन्फर्म हो चुकी हैं। तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये पाकिस्तान में कब तक आएगा और किस प्राइस टैग में आने वाला है और इस मोबाइल फ़ोन्स में हमें क्या क्या स्पेक्स देखने को मिलेंगी। तो हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए लाइक तो कीजिएगा ही, साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर आने वाले न्यू मोबाइल की अपडेट मिलती रहे। ज़्यादा बोर नहीं करता, आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई, ओप्पो की रेनो सीरीज़ की बात करें तो ये कैमरा सीरीज़ है। रेनो मोबाइल फ़ोन्स में कैमरा के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है और वैसे भी ओप्पो के मिड रेंज स्मार्टफोन्स के बाद यही एक सीरीज़ है जो प्रीमियम तस्वीर की जाती है, क्योंकि इसके बाद जो भी स्मार्टफोन ओप्पो के हमें देखने को मिलते हैं वो फ्लैगशिप लेवल के है, जैसा कि फाइंड एक्स वगैरह। लेकिन अब की बार दोस्तों इस मोबाइल फ़ोन्स में कैमरा के ऊपर कोई इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है। अमूमन जब भी कोई मोबाइल फ़ोन रेनो सीरीज़ में बाय करता है तो उसके माइंड में एक ही बात होती है कि मुझे यहाँ पर जो कैमरा स्पेक्स मिलेंगी काफ़ी तबाही की होंगी। लेकिन अब की बार गंगा जो है वो बिल्कुल उल्ट बह रही है। मैं अब ये क्यों बात कर रहा हूँ दोस्तों, वीडियो में आगे चलकर आपको पता चलेगी। अभी के लिए इस मोबाइल फ़ोन के डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो डिज़ाइन है दोस्तों, नो डाउट रेनो के किसी भी स्मार्टफोन की तरह यहाँ पर भी जो डिज़ाइन है बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। ख़ासतौर पर मोबाइल फ़ोन के जो बैक पर कैमरा प्लेसमेंट है बहुत ही कमाल की है। लेकिन दोस्तों, मोबाइल फ़ोन के बैक पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप नहीं बल्कि ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, मोबाइल की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो गिलास की बिल्ड क्वालिटी है, काफ़ी प्रीमियम लुक प्रोवाइड करती है। और इसके साथ साथ मोबाइल के फ्रंट पर भी आपको गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन मिलती है, जो कि काफ़ी खुशाइंद है। अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के डिस्प्ले की। तो यहाँ पर 6.4 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले है फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ, जहाँ पर पिक्सल रेजोल्यूशन 1080x2400 की है। इसके साथ मोबाइल के फ्रंट पर आपको, जैसा कि मैंने बताया, गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन भी मिलती है। एमोलेड डिस्प्ले है दोस्तों, नो डाउट डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी बेटर होने वाली है। और अंडर 80,000 के प्राइस टैग में जब कोई मोबाइल फ़ोन बाय करते हैं हम लोग, तो एक्सपेक्ट करते हैं वहाँ पर हमें हर एक चीज़ जो है वो आउट क्लास मिले। डिस्प्ले दोस्तों बहुत ही आउट क्लास होने वाला है, नो डाउट काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको डिस्प्ले मिलने वाला है। लेकिन एक बात जो मुझे इस मोबाइल फ़ोन की बहुत बुरी लगी है दोस्तों, वो इस मोबाइल फ़ोन में मिलने वाला कैमरा सेटअप है। इस मोबाइल फ़ोन के बैक पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप नहीं बल्कि ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, 48 मेगापिक्सल के मेन सेंसर के साथ, जहाँ पर जो अपर्चर रखा गया है f1.7 रखा गया। नो डाउट दोस्तों, f1.7 अपर्चर के साथ जो कैमरा क्वालिटी है काफ़ी अमेजिंग होगी। लेकिन फिर भी यहाँ पर क्वाड कैमरा सेटअप शामिल किया जाना चाहिए था। इसके साथ मोबाइल में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलेगा और जस्ट 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। मैं ओप्पो रेनो 4 की बात कर रहा हूँ, रेनो 4 प्रो की स्पेक्स को हम एंड में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों, अंडर 80,000 के प्राइस टैग में आपको क्या कैमरा सेटअप मिल रहा है, ट्रिपल कैमरा सेटअप, और यहाँ पर आपको जस्ट 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल रहा है। अबे यार, ये क्या कर दिया ओप्पो वालों ने, मतलब यार 80,000 की प्राइस टैग में मिलने वाले स्मार्टफोन में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल रहा है, मैक्रो लेंस को गायब कर दिया गया है। अब दोस्तों, कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको इससे कम प्राइस पैकेट में इससे अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी। और इसका जीता जागता सबूत दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A71 है। इवन वहाँ पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा है और वहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर भी 12 मेगापिक्सल का मिल रहा है, जबकि यहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर जस्ट 8 मेगापिक्सल का मिल रहा है और वहाँ पर आपको 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस भी मिल जाएगा। लेकिन अभी के लिए दोस्तों, हम इन दोनों मोबाइल फ़ोन का कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर कैमरा स्पेक्स जो है वो अंडर 80,000 के प्राइस टैग को जस्टिफाई नहीं करती हैं। अब मोबाइल के फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ पर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है पंच होल की शक्ल में। अब कैमरा स्पेक्स आपके सामने है, क्या ये कैमरा स्पेक्स अपने प्राइस टैग को जस्टिफाई करती हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब थोड़ा सा इस मोबाइल फ़ोन की परफॉर्मेंस यानी कि चिपसेट को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है स्नैपड्रैगन 765G का प्रोसेसर, जो कि 7 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है और 5G सपोर्टेड है। नो डाउट दोस्तों, चिपसेट अपने प्राइस पैकेट में बहुत ही तगड़ा चिपसेट है, परफॉर्मेंस भी आपको यहाँ पर काफ़ी ठीक ठाक देखने को मिलेगी। फिर चाहे आप इस मोबाइल फ़ोन पर गेमिंग करें या फिर मल्टीटास्किंग, बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस होने वाला है। लेकिन दोस्तों, ये चिपसेट 5G सपोर्टेड है
और पाकिस्तान में तो 4G भी अच्छे से नहीं चलती है। अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के वेरिएंट्स की, तो दो वेरिएंट्स यहाँ पर लॉन्च होने वाले हैं, 8GB 128GB और 12GB 256GB। इसके अलावा इस मोबाइल फ़ोन में आपको एंड्रॉयड 10 प्री इंस्टॉल्ड मिलने वाला है और इस मोबाइल फ़ोन का वेट जस्ट 183 ग्राम्स है, जो कि इतना ज़्यादा नहीं है। अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन की बैटरी सिचुएशन की, तो यहाँ पर आपको मिलने वाली है 4000mAh की बैटरी विद 65W की फास्ट चार्जिंग के साथ। नो डाउट दोस्तों, फास्ट चार्जिंग तो बहुत ज़्यादा फास्ट होने वाली है और ओप्पो के मुताबिक आप अपने इस मोबाइल फ़ोन को जस्ट 36 मिनट में फुल चार्ज कर पाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट होने वाली है। अब पाकिस्तानी मार्केट की बात करें तो अंडर 80,000 के प्राइस टैग में ये पहला स्मार्टफोन होगा जिसमें हमें 65W की फास्ट चार्जिंग मिलेगी। अब ये कितने अच्छे से वर्क करती है मोबाइल फ़ोन के लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। अब बात कर लेते हैं ओप्पो रेनो 4 प्रो की स्पेक्स की, तो यहाँ पर आपको कोई इतनी ज़्यादा तब्दीली नहीं देखने को मिलेगी। दोनों ही मोबाइल फ़ोन्स परफॉर्मेंस वाइज आपको सेम टू सेम मिलेंगे, लेकिन कैमरा स्पेक्स में आपको यहाँ पर तब्दीली देखने को मिल जाएगी। जैसा कि ओप्पो रेनो 4 प्रो में भी आपको 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल की शक्ल में टेलीफोटो लेंस भी मिलने वाला है और यहाँ पर जो अल्ट्रा वाइड सेंसर है उसे भी 12 मेगापिक्सल किया गया है और बाकी की जो स्पेक्स हैं कैमरा वो बिल्कुल सेम टू सेम होने वाली हैं। फ्रंट पर भी आपको थोड़ा बहुत जो है वो डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, 32 मेगापिक्सल के साथ साथ आपको यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर भी मिलने वाला है। एक और जो तब्दीली आपको यहाँ पर मिलने वाली है वो इस मोबाइल फ़ोन के डिस्प्ले में होने वाली है। ओप्पो रेनो 4 प्रो के डिस्प्ले में आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट भी मिलेगा। इसके अलावा कोई और स्पेक्स नहीं है दोस्तों जो दोनों ही मोबाइल फ़ोन में डिफरेंस पैदा। तो जनाब ये थे ओप्पो की रेनो सीरीज़ के अपकमिंग स्मार्टफोन जिनको बहुत जल्द पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया जा रहा है और एक्सपेक्टेड है कि इनको जुलाई के एंड या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक तक पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा और यही कुछ सिचुएशन इंडियन मार्केट के लिए भी होने वाली है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपकी नज़र में क्या ये मोबाइल फ़ोन अपने प्राइस टैग को जस्टिफाई करते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको कैमरा स्पेक्स को इतनी अच्छी नहीं मिलने वाली, सारे जो पैसे हैं दोस्तों वो 5G सपोर्टेड के होने वाले हैं और मोबाइल फ़ोन के डिज़ाइन के होने वाले हैं। इसके अलावा कोई भी एक ऐसी स्पेक्स नहीं है जो आपको 80,000 के प्राइस टैग में बेस्ट फीचर्स प्रोवाइड कर रही हो, क्योंकि दोस्तों कैमरा स्पेक्स आपको इससे कम प्राइस टैग में अच्छी मिल जाएगी। 90Hz के रिफ्रेश रेट वाले इससे कम प्राइस टैग में स्मार्टफोन्स बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, इवन के रियलमी की तरफ से एक दो स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट में आ भी चुके हैं। चिपसेट की बात करें तो नो डाउट चिपसेट काफ़ी अच्छा होने वाला है स्मार्टफोन में, लेकिन इसके अलावा ऐसी कौन सी स्पेक्स हैं जो इस मोबाइल फ़ोन को अपनी कैटेगरी का प्रीमियम स्मार्टफोन बना देती हो? मेरे ख्याल से कोई एक भी ऐसी स्पेक्स शामिल नहीं है। तो अगर आप इस मोबाइल फ़ोन का वेट कर रहे हैं डेफिनेटली कीजिए, क्योंकि मैं भी इस मोबाइल फ़ोन का वेट कर रहा हूँ। हो सकता है इसमें जो स्पेक्स में थोड़ी बहुत तब्दीली जो है वो पाकिस्तानी मार्केट में कर दी जाए, क्योंकि ओप्पो रेनो 3 की बात करें जो वेरियंट चाइनीज़ मार्केट में लॉन्च हुआ था वो वेरिएंट पाकिस्तान और इंडियन मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ था, वहाँ पर स्पेक्स में काफ़ी ज़्यादा तब्दीली की गई थी। तो हो सकता है ओप्पो रेनो 4 और 4 प्रो में भी यही किया जाए, इंडिया जो वेरिएंट चाइनीज़ मार्केट में लॉन्च हुआ है उससे हटकर यहाँ पर कुछ और स्पेक्स दे दी जाए। लेकिन दोस्तों जैसे ही ये मोबाइल फ़ोन लॉन्च होगा आप लोगों के लिए मैं सबसे पहले इस मोबाइल फ़ोन की जो इन्फॉर्मेशन वीडियो है वो ज़रूर लेकर आऊँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आई तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको हर आने वाले न्यू मोबाइल की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।